अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन ने कासगंज जनपद का औचक निरीक्षण किया। जनपद के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने डीआईजी अलीगढ़ शलभ माथुर संग कासगंज के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की जानकारी ली। एसपी सौरभ दीक्षित को दिए सरकार की नीतियों के मुताबिक कार्य करने के निर्देश। शासन की मंशा के मुताबिक कार्य करें सभी पुलिस अधिकारी। पुलिस के साथ बैठक की गई है, क्या दिशा निर्देश रहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी? जी, आज कासगंज का भ्रमण हुआ निरीक्षण भी, और सभी थाना प्रभारियों और सर्कल ऑफिसर्स एडिशनल एसपी एसपी डीआईजी के साथ यहाँ पर क्राइम समीक्षा हुई है और लॉ ऑर्डर की स्थिति का भी सबकी भी समीक्षा की गई है। जनपद में किस प्रकार का क्राइम है और उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं और किस तरह की हमारी क्राइम कंट्रोल की स्ट्रेटजी है, इस पर भी चर्चा की गई विस्तृत में। और क्या शासन प्रशासन की प्राथमिकताएँ हैं उनके बारे में बात की गई। जहाँ तक कि जो हीनस क्राइम्स से रिलेटेड हैं उन पर तो काफ़ी हमारी सतर्क दृष्टि और कड़ी दृष्टि रहेगी, और उस पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं। और जो लूट की कुछ वारदातें हुई हैं यहाँ पर, उन पर भी किस तरह से हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि किस तरह से हम सीसीटीवी के माध्यम से भी इनका खुलासा कर सकते हैं और किस तरह से इनसे संबंधित गैंग्स को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए क्या क्या हम कदम उठाने पड़ेंगे, उस पर भी चर्चा की गई है। क्राइम डिटेक्शन किस तरह से त्वरित गति से हो, इस पर भी चर्चा की गई है। उसके अलावा महिला संबंधी जो अपराध हो रहे हैं उसमें किस तरह की संवेदनशीलता हमको ज़रूरत है और किस प्रकार से हम उनको त्वरित गति से इन्वेस्टिगेट कर सकें, और जो हमारा अभियुक्त है उस केस में किस तरह से उसको हम सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकें, इस पर भी बातचीत की गई। गौकशी और गौ तस्करी के केसेस पे भी हमारी पैनी नज़र है और कड़ी से कड़ी उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो यही कुछ इस तरह के मामले, भूमि विवाद और ज़मीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, इस पर किस तरह से हम निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं ताकि इन विवादों को समय रहते सुलझाया जा सके और वो किसी प्रकार के क्राइम में तब्दील ना हो, इन सभी पर हमने चर्चा की है और इसमें कड़े से कड़े निर्देश दिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जनपद कासगंज? जी, जनपद कासगंज में बहुत सारे, इसमें संख्या आपको इसके साथ बताएंगे, इसमें कई सारे 27 कैमरे यहाँ पे ऑपरेशन 2700 2700 कैमरे यहाँ पर जनपद कासगंज में लगा दिए गए हैं और इससे हमें काफ़ी सफलता मिल रही। पूरे जोन के लिए मैं बता सकती हूँ आपको कि 78 ऐसे केस हैं जो पिछले 2 महीने में सीसीटीवी के माध्यम से डिटेक्ट हो चुके हैं और उस पर गिरफ्तारी होकर उसमें कार्रवाई आरोप पत्र वगैरह प्रेषित किया जा सकता है। मैडम, कच्ची शराब के लिए जिला जाना जाता है, कई बार इसमें हत्याकांड भी हो चुके हैं, सिपाही की हत्या की, किस तरह की दिशा निर्देश आपने जारी किए? जी, इसमें कच्ची शराब के संबंध में हम लोग सभी जागरूक हैं, संज्ञानित हैं इस प्रकरण के संबंध में, और उस पर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, बार बार दबिश देना, उस पर रेड करना, उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन पर कार्रवाई करना, उन पर निगरानी रखना और उनको दोबारा इस तरह की हरकत ना करने देने पर हमारी तरफ से, जो थाना की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, उन सभी के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसमें निरोधात्मक कार्रवाई है जो काम आती है, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं।